हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप ऐप अपडेट्स और रेडी नोटिफिकेशन को हटा सकते हो अपने फ़ोन से। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो रियलमी, MIUI और भी अदर ब्रांड्स जो कस्टम एंड्रॉयड पे चलाते हैं अपने फ़ोन को, उसमें ये क्या प्रॉब्लम आ रही कि हट ही नहीं रहा। तो इसको हटाने का मैं तरीका जानता हूँ। ये वीडियो को लास्ट तक बस देखना, मैं आपको एक एक टिप्स बताऊँगा क्यों ये आया है प्रॉब्लम आपके फ़ोन में, कैसे आया है और अब क्यों आया है। पहले भी ये मतलब ऐप अपडेट्स आ रेडी नोटिफिकेशन नहीं आता था, लेकिन ये मतलब एंड्रॉयड सेटअप का ऐप हुआ करता था पहले भी। और ये आप मास्क देख के ये मत समझना कि मैं मास्क पहन के अपने आप को बचा रहा हूँ। मैं एक्चुअली पब्लिक जगह पे ये अपना फ़ोन सेटअप करके मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक बंदे ने पूछ लिया कि भाई बताओ कि ऐप अपडेट्स आ रेडी है नोटिफिकेशन क्या है और क्यों आता है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा आज, और आपका भी सारा मतलब सॉल्यूशन कर दूंगा। जो MIUI रियलमी इसमें अभी भी नहीं हट पाया, मैं एक वीडियो होगा ऊपर आई बटन में जाकर देख लेना। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ऐप अपडेट सारे रेडी का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। वो एक मेरा वीडियो पहले से चैनल में अपलोडेड है, उसको आप जाकर देख लेना। उससे आपका अगर स्टॉक एंड्रॉयड होगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और वही आपका स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है तो डिजेबल करना आप जानते थे और उसको नोटिफिकेशन को डिजेबल कर देते थे या फिर ऐप को डिजेबल कर देते थे। ऐसा नहीं करना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो कस्टम एंड्रॉयड वाले। खास करके स्टॉक एंड्रॉयड वालों का तो मैं सॉल्यूशन दे चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाकर वहाँ देख लेना। तो ये आप जानना चाहते थे कि ये ऐप अपडेट्स आर रेडी ये होता क्या है, नोटिफिकेशन क्यों आता है आपके एंड्रॉयड में, और आजकल परेशानी क्यों हो रही है। जैसे कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी आपका एंड्रॉयड सेटअप होता था, और एंड्रॉयड सेटअप होने के बाद आपका सारा चीज़ बैकअप डाटा होने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन पहले क्या था कि कम डेटाज होते थे, पहले आपको कॉन्टैक्ट होता था नॉर्मली, फिर आपको कुछ कुछ ऐप की सेटिंग्स होती थी उसमें, फिर आपकी वाईफाई सेटिंग्स, वो सब डेटा होते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर पुराना जो भी फ़ोन आप शुरू में, मान लीजिए कोई ईमेल आईडी लेते हो, आप बनाते हो, और ईमेल आईडी को बनाने के बाद उसमें जो भी डेटा आप डालते हो और वो डेटा आपके फ़ोन में संरक्षित रहता है, ओके, समझ रहे हो, प्योर हिंदी बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए स्टोर रहता है आपके फ़ोन में, उसके बाद आप क्या फ़ोन चेंज कर लेते हो। फ़ोन चेंज करने के बाद क्या होता है, ये आपको उसमें भी ईमेल आईडी डालने को बोलता है, सेटअप करने को बोलता है शुरू में एंड्रॉयड। तो आप क्या करते हो, सेटअप करने लगते हो और अपना ईमेल आईडी भी डाल देते हो। तो उसमें लास्ट में पूछता है क्या, कॉपी करने के लिए। मतलब पहले अगर फ़ोन में जो भी डाटा है तो उसको आप कॉपी अगर करना चाहो तो उसमें कॉपी कर सकते हो। तो आप वो चीज़ उसको स्किप कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो। या फिर वो भी कभी क्या करते हैं लोग, उसको डेटा को बैकअप करते हैं, मतलब वापस से रिट्रीव करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप अच्छे वाईफाई से कनेक्टेड नहीं रहते हो, तो दिक्कत होगी ना भाई। आप अच्छे वाईफाई से कनेक्ट करो अपने फ़ोन को और वो अपडेट ले लेगा। इसी काम के लिए वो बना है फंक्शन, वो गूगल का फंक्शन है, कोई बग नहीं है आपका। जो एंड्रॉयड ये ऐप अपडेट्स आर रेडी करके नोटिफिकेशन आ रहा है, उसको आप इतना सोच रहे हो कि ये बग है, बग है, बग नहीं है, हर चीज़ बग नहीं होता। तो ये फीचर है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना है, ट्रिक है। अगर आपके पास वो वाईफाई हाई स्पीड की नहीं है जो अमेरिका में चलती हैं, आप इंडिया में हो तो इंडिया में तो ये वाईफाई मिलेगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले एक फ़ोन लेना है, उसके उसके जो हॉटस्पॉट होता है उसको ऑन कर देना है। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद अगले फ़ोन में उसके सेटिंग में जाना, हॉटस्पॉट के सेटिंग में, और उसके हॉटस्पॉट के सेटिंग में नीचे आइएगा तो एक आएगा AP करके, AP सेटिंग्स, एक्सेस पॉइंट सेटिंग्स कहते हैं उसको। तो मैं उसको नीचे बना के भी दिखा दूंगा कैसे कैसे जाना है, आपको मोबाइल का डायरेक्शन दे दूंगा, तो वो भी देख लेना आप। क्या करना है आपको कि उसमें AP सेटिंग जो है उसको पहले होगा 2.4 GHz, यानी कि पहले नॉर्मल जो चल रहा था रेंज 2.4 GHz, तो उसको चेंज करके 5 GHz पे सेट करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो वाईफाई हॉटस्पॉट होगा जो, तो वो एक तरह से फेक नेटवर्किंग देगा कि मैं 5 GHz पे वर्क कर रहा हूँ, यानी मैं 5G हूँ। तो ये काम आपको कर देना है। इस तरह से आप देखोगे कि जब भी उस राउटर से, मतलब उस हॉटस्पॉट से अगर आप कनेक्ट करोगे अपने आप को, तो आपके फ़ोन में भी वो लिखा आएगा कि 5G। तो
ये चीज करके देखना, उससे भी सॉल्यूशन होगा। और दूसरा एक सॉल्यूशन ये है कि मेरा आप वीडियो देख लो, आप स्टॉक एंड्रॉयड में जो दिया हुआ है, जो मेरे चैनल पे है, वो जाकर देख लेना। अभी 42 के ऊपर चला गया उस पर व्यूज, और मेरा क्या बोलते हैं उसके ऊपर मेरा लगभग 100 के करीब सबटाइटल्स है यार, 100 के करीब, मतलब 100 लैंग्वेजेस। तो इस तरह से मैं इतनी मेहनत करूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कमेंट क्यों, अगर यहाँ नहीं, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कमेंट में, तो सीधा सीधी आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, मेरा ग्रुप है वहाँ पर, सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये मेरा काम है, बस टेक्नोलॉजी के तरफ आगे बढ़ना, लोगों को बहुत हेल्प करना। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।